अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे वेलकम डियर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस पैंडमिक ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सिलेबस थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को मालूम है हम इस ईयर भी हमारे क्लासेस ऑनलाइन ही कंडक्ट करने वाले हैं। तो सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की सोशल टीचर हूँ रुखसाना टीचर। तो मैं आप लोगों को वर्कबुक कराने वाली हूँ, इसमें आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। आपको लिखना है नीट हैंड राइटिंग्स में। आप लोगों के पास दो वर्कबुक्स है, एक वर्कबुक एक टेक्सचुअल है, एक वर्कबुक है, और आपको वर्कबुक निकाल के उसमें आपको वर्क करना है, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग अवर वर्क फॉर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। सोशल स्टडीज लेसन नंबर वन, रीडिंग एंड मेकिंग मैप्स। आप लोगों का फर्स्ट लेसन कौन सा है? रीडिंग एंड मेकिंग मैप्स। ओके, नेक्स्ट आप अपने वर्कबुक्स निकालिए, पेज नंबर 3 और 4। आप लोगों को 3 और 4 पे का करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग एंड मेकिंग मैप्स। हियर आप लोगों को पेज नंबर 3 पे यहाँ पे क्या पूछ रहा, फर्स्ट में डेफिनेशंस लिखना है। ओके, फर्स्ट वन इज स्केच। स्केच क्या है? इमेजिनरी और रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट स्केल। ऐसा ड्राइंग सिर्फ इमेजिन करके हम ड्राइंग बना दिए, उसमें हम स्केल यूज नहीं करें, तो उसको हम बोलेंगे स्केच। ओके, तो आप लोगों को पेज नंबर 3 पे ये डेफिनेशंस आपको यहाँ पे पढ़ते हुए नीट हैंड राइटिंग में लिखना है, आपके वर्कबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज मैप। व्हाट इज अ मैप? ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ टोटल और अ पार्ट ऑफ अर्थ अर्थ सरफेस ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अब यहाँ पे स्केच में स्केल यूज़ नहीं कर रहे थे, मैप में हम स्केल यूज़ करते हुए एक एरिया का डिस्टेंस और उसका पार्ट का पूरा क्या दिखाएंगे हम, उसका डिस्टेंस एरिया रिप्रेजेंट करेंगे फ्लैट पेपर पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैप। मैप इज़ अ रफ ड्राइंग ऑन अ पेपर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्केल के साथ हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल है क्या? शोइंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल मतलब उसको एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे रहता कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसको रिड्यूस करके, इन रिड्यूस मैनर उसको रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, मैप पे बताते, तो उसको हम स्केल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन इज ऑलवेज रिलेटिव टू समथिंग। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे माइंड मैपिंग के लिए यहाँ पे करा हुआ है, वहाँ पे आपको इसको देख के वहाँ पे करना है, ठीक है। फर्स्ट इज यहाँ पे माइंड मैपिंग देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा, मैप बीच में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैप। मैप क्या है? मैप में क्या क्या है? वैराइटीज है, सिंबल्स है, डायरेक्शंस है, स्केल है। तो ये स्केल, डायरेक्शन, वैराइटीज, सिंबल आपको वहाँ पे लिखना है आपके वर्कबुक में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ मैप। काइंड्स ऑफ मैप में कितने काइंड्स है? फिजिकल मैप्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मैप है, हिस्टोरिकल मैप है। ये 3 नेम्स आपको आपके वर्कबुक में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैप। मैप बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? डायरेक्शंस होना ज़रूरी है, स्केल होना ज़रूरी है और सिंबल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप नीट हैंड राइटिंग में अपने वर्कबुक्स में करिए देख के, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 आप टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर्स बोल के दिया, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ। फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम योर मंडल हेड क्वार्टर्स टू द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स बाई कन्वर्टिंग द मैप डिस्टेंस इन टू द एक्चुअल डिस्टेंस। नेक्स्ट आंसर क्या है इसका, ये क्वेश्चन पूछ रहा क्या, आपको डिस्टेंस मालूम करना है आपके मंडल हेडक्वार्टर्स से आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक, उसको किस में कन्वर्टिंग डिस्टेंस इनटू द एक्चुअल डिस्टेंस। और यहाँ पे जो मैप पे डिस्टेंस बता रहा उसका कन्वर्ट करके उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है वो भी पता करना है, ठीक है। आप टेक योर डिस्ट्रिक्ट मैप, आप क्या करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट मैप लेंगे विथ मंडल मेजर, मंडल के साथ लेंगे, मंडल वाला जो डिस्ट्रिक्ट मैप है ना मंडल्स का वो लेंगे। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर मंडल हेडक्वार्टर्स टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब मैप पे क्या करेंगे, मेजर करेंगे दोनों का डिस्टेंस क्या है, ठीक है।
नाउ यूजिंग अ थ्रेड स्केल, स्केल यूज करके क्या करेंगे आप, स्केल या थ्रेड यूज करके उस पर मेजर करेंगे मैप पे. ऑब्जर्व द स्केल ऑफ अ मैप एंड कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस. अब स्केल वहाँ पे मैप्स में स्केल वहाँ पे दी गई होती है, जैसे कि 1 centimeter इक्वल्स टू 1 meter, कितना मीटर है वहाँ पे आपको मैप में रहता. अब उसको उसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट करने पे आपको क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस पता हो जाएगी. ठीक है, तो ये है फर्स्ट आंसर, आपको इसको बुक में करना है पेज नंबर 4 पे. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन वहाँ पे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए मैप, मैप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है पूछ रहा. ठीक है, द रूट्स एंड डायरेक्शंस विल बी शोन इन द मैप. रूट्स पता होते हैं, डायरेक्शंस भी पता होते हैं हमको, मालूम है ना. मैप्स आर प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर दैट द नॉर्थ डायरेक्शन इज एट द टॉप ऑफ द मैप. मैप ऐसे डायरेक्शन में प्रिपेयर किया हुआ है कि नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ दिखती हमको. ठीक है, इंडिया में भी देखो कश्मीर नॉर्थ की तरफ रहता, वो ऊपर दिखता हमको. ठीक है, साउथ वाला नीचे दिखता, ईस्ट वाला राइट साइड, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, मैप्स ऑलवेज मेंशन स्केल. और मैप्स में एक खासियत है कि हमेशा उस पर स्केल हमको मेंशन की हुई मिलती. मैप्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल सिंबल. और मैप को कन्वेंशनल सिंबल्स यूज करके बनाया जाता है हमारी आसानी के लिए. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द कन्वेंशनल सिंबल्स. अब ये कन्वेंशनल सिंबल्स है क्या, सम कॉमन सिंबल्स, कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो हम क्या करते हैं मैप्स पे यूज करते हैं, उसको बोलेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स. जैसे मॉस्क्यू मस्जिद का सिंबल है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, ये वाले सिंबल्स को हम कॉमन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या है, मेंशन द नेम्स ऑफ सम काइंड्स ऑफ मैप्स. कुछ अलग काइंड्स मतलब वेराइटीज है ना मैप्स में, एक तरह का मैप नहीं होता, अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं. तो अलग अलग तरह के मैप्स के आपको यहाँ पे नेम्स लिखने को बोल रहा. तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप्स आर सम काइंड्स ऑफ मैप्स. अब यहाँ पे कुछ तरीके के मैप्स हैं जो फिजिकल है, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल एट्सेट्रा. अब यहाँ पे व्हाट इज अ मैप, ये सब आपको वर्कबुक में लिखना है. मैं 10 बार बोल रही हूँ आप लोगों को, इसको नीट हैंड राइटिंग में आपके वर्कबुक्स में लिखिए. ओके, यहाँ पे मैं समझाते हुए आपको आंसर्स दे रही हूँ, ये आंसर्स देख के लिखना है. अगर आपको कुछ लिखने में फ़ोन में देख के लिखने में प्रॉब्लम हो रहा तो आप आपके वर्कबुक्स में भी ढूंढ के कर सकते हैं, इसमें वर्कबुक्स में भी है. ठीक है, व्हाट इज़ अ मैप, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ टोटल पार्ट और अ सरफेस ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. स्केल को देखते हुए एक ड्राइंग बनाया जाता है, एरिया का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको हम बोलेंगे मैप. अब लास्ट वन, व्हाट इज अ स्केल, स्केल क्या है, शोइंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन अ रिड्यूस मैनर. एक्चुअल डिस्टेंस जो लैंड का एक्चुअल डिस्टेंस है वो बताती है, मगर उसको कम करके दिखाती है, कौन, स्केल. ओके, ये था आपका स्केल तक का. लास्ट 7th वाला क्वेश्चन है यहाँ पे. अच्छा, ये 7th वाला तक आप 6 क्वेश्चंस तो कर लीजिए, 7th वाले से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. इसको नीट हैंड राइटिंग में करिए, और ये जो नंबर्स है ये वो बुक्स में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. अगर आपको इसमें कंफ्यूजिंग लग रहा तो वो बुक्स में से देख के करिए, समझते हुए करिए. ठीक है, कंप्लीट करिए. थैंक यू.